नमस्ते बेटिया, माय सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं शालमली के ऊपर। ठीक है, शालमली एक वेल नोन प्लांट है। वैसे तो देखा जाए तो जहाँ पानी वाले स्थान होते हैं वहाँ आसपास मिल जाता है इजीली, और इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, इस वजह से भी ये इजीली आइडेंटिफाई भी हो जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में एक वेल नोन प्लांट है, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। लैटिन नेम है इसका सालमेलिया मालावेरिका। ठीक है, और बॉम्बेक्स सीवा, ये दोनों ही नाम है, सिनोनिम्स के आधार पे इसको देख सकते हैं। सालमेलिया मालावेरिका आपको याद रखें, फैमिली बॉम्बेकेसी है इसकी। ठीक है, संस्कृत में इसको शालमली, सैलमली, मोचा, तोलुनी, पिछिला, रक्त पुष्पा, चिरायु, स्थिरायु एंड कंठकाड्य है। ठीक है, ये इसकी सिनोनिम्स हैं संस्कृत में। इन नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कंठकाड्य। ठीक है, कंठकाड्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसमें कांटों की अधिकता होती है। ठीक है, तो शालमली, शालमली इसका जो नेचुरल जो अपन कहते हैं कि एक संस्कृत नाम या बोलचाल वाला नाम है इसका। ठीक है, जिसे आप याद रखें, मोचा भी इसका पर्याय है। ठीक है, मोचा और तुलुनी, पिछिला, ठीक है, रक्त पुष्पा, चिरायु, स्थिरायु और कंठकाड्य, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके जब वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो उसमें ही पूछ लिया जाता है कि शालमली का नाम तो सालमेलिया मालावेरिका, फैमिली बॉम्बे कैसी है। ठीक है, संस्कृत में आपको सिनोनिम्स पूछ लिया जा सकता है ऑप्शंस में, या किसी कॉम्पिटेटिव में आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश नेम है इसका सिल्क बॉटम ट्री। ठीक है, जो बहुत अच्छी सिल्क क्वालिटी वाली जो सिल्क होती है वो हमें इससे मिलती है, सिल्क कॉटन ट्री से। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट पिलोज वगैरह इससे बनते हैं। हिंदी में इसको सेमल या सीमूल इस नाम से जानते हैं। मॉर्फोलॉजी देखें इसकी, तो इट इज ए डेसिडुअस ट्री अटेनिंग ए हाइट अप टू 40 मीटर एंड गिर्थ अप टू 6 मीटर और मोर। इन इंडिया इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हॉटर पार्ट ऑफ कंट्री अप टू 1500 मीटर और मोर। इट्स यंग स्टेम एंड ब्रांचेस आर कवर्ड विद स्टाउट एंड हार्ड प्रिकल्स। इट्स लीव्स आर लार्ज, स्प्रेडिंग, ग्लैब्रस एंड डिजिटेट। लीफ लेट्स आर 5 to 7, लैंसियोलेट एंड 10 to 20 cm लॉन्ग। एंड इट्स फ्लावर्स आर न्यूमरस, लार्ज, फ्लैशी, ब्राइट क्रिम्सन, येलो और ऑरेंज, कंटेनिंग मैनी सीड्स विद लॉन्ग डेंस सिल्क हेयर। उसके बाद है वेराइटीज। वेराइटीज में कटु शालमली या कुटा शाल कूट शालमली, सॉरी। ठीक है, तो एक शालमली की वैरायटी है ये कूट शालमली। ठीक है, एरियोडेंड्रोन एंड फ्रक्टोसम। ठीक है, तो कूट शालमली इसी की वैरायटी है, हैविंग लेजर थॉर्न्स एंड फ्लावर्स वाइट एंड इनर येलोइश। ठीक है, इसमें जो कांटे हैं वो कम होते हैं एंड फ्लावर्स वाइट होते हैं और इनर वाले येलोइश होते हैं। अब देखिए इसका रसपंचक। रसपंचक में रस इसका मधुर है और कषाय है। ठीक है, मधुर और कषाय। ठीक है, और जो मोचा रस इसमें एक्सुडेट निकलता है, इसका नाम मोचा मोचा भी है, और इसमें जो एक्सुडेट निकलता है, जो निर्यास निकलता है, उसे मोचा रस कहता है। गुण इसकी बात करें तो लघु, स्निग्ध एंड पिच्छल। ठीक है, गुण कैसा है इसके, लघु है, स्निग्ध है और पिच्छल है। ठीक है, वीर्य इसका शीत रहेगा, विपाक इसका मधुर रहेगा। ठीक है, विपाक मधुर है और जो मोचरस है उसका कटु रहता है, क्योंकि रस मधुर रहेगा शालमली का पर मोचरस का कषाय है, तो इसलिए विपाक इसका मधुर ही है, पर जो इसका मोचरस हो जाए, निर्यास आप यूज करते हैं, उसका मोचरस का विपाक कटु होगा। दोष कामता देखें तो वात पित्त शामक रहती है इसका, दोष कामता वात पित्त शामक रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो इसका मोचरस है या फ्लावर्स और फ्रूट्स है, इनकी कफ पित्त शामक रहती है। ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट और जो निर्यास है मोचरस, किसका, शालमली का। ये जनरल एक सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मोचरस है किसका निर्यास है, कौन से प्लांट का है, या इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है, शालमली निर्यास को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही है, इसके अंदर दो सवाल छुपे हैं। ठीक है,
तो फिर हम इसके दोषकमता की बात कर रहे थे, शाल मलिका वातपित्तशामक होता है, और जब इसके निर्यास की बात होती है, इसके फ्लावर्स की बात होती है, इसके फ्रूट्स की बात होती है, तो कफपित्तशामक होता है। ठीक है, इसके बाद देखें इसका कर्म। ठीक है, कर्म में पुरीष विरंजनीय। ठीक है, पुरीष विरंजनीय अंग जो इसका नेचुरल कलर होता है पुरीष का, उसमें ले आने को इसको बोलेंगे पुरीष विरंजनीय। जो अगर कोई डिफॉर्मिटी आ रही है इसके कलर में, तो ये इसका कलर नॉर्मलाइज करता है, इसलिए इसे पुरीष विरंजनीय बोलते हैं। स्तंभन, ठीक है, इसका जो निर्यास है मोचरस का जो निर्यास है, ठीक है, सॉरी शालमली का जो निर्यास है, जिसे हम मोचरस कहते हैं, ठीक है, इसका जो कर्म है वो है स्तंभन, मतलब जो सरगुण है उसका विपरीत। ठीक है, यानी कि चीजों को बाहर निकलने से रोकेगा। ठीक है, उसके और शुक्र स्तंभन। ठीक है, जो स्तंभन गुण है वो यहाँ भी लागू हो जाएगा, शुक्र का भी स्तंभन करेगा मोचरस। ठीक है, और मोचरस है वो व्रण रोपण भी है। ठीक है, कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, ठीक है, जो ऐसा व्रण है जो हील नहीं हो पा रहा है, तो आप मोचरस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनराइप फ्रूट्स होते हैं, अपक्व फल। ठीक है, शालमली के जो अपक्व फल हैं या अनराइप फ्रूट हैं, वो कैसे होते हैं, कासहर होते हैं। ठीक है, कासहर। ठीक है, इसके बाद अनराइप फ्रूट है वो मुत्रल भी होते हैं। ठीक है, निर्यास कैसा होता है, स्तंभक प्रॉपर्टी का होता है, पर इसके जो फ्रूट्स हैं वो मुत्रल है। ठीक है, और जो फ्रूट्स है वो बल्ले और भ्रंगण का काम भी करते हैं, बल्ले भी होते हैं और भ्रंगण भी होते हैं, बल्ले और ब्रंगड़ दोनों काम करते हैं फ्रूट्स। इसके साथ ही रक्त स्तंभन, ठीक है, पुष्प है, ठीक है, फ्लावर्स एंड एक्सुडेट है, वो कैसे होता है, रक्त स्तंभन, रक्त को शरीर से बाहर बहने से रोकते हैं, रक्त स्तंभन, पुष्प, फ्लावर एंड एक्सुडेट। फिर है आर्तव रोधनी फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स हैं वो आर्तव रोधी होते हैं, जहाँ साइकिल के अंदर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसी कोई कंडीशन हो, ठीक है, वहां पे ये रक्त रोधक होते हैं, रक्त को बाहर आने से रोकते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग होने से रोकते हैं रक्त रोधक। ठीक है, फिर इसकी जो बार्क है, इसकी जो छाल है वो कैसी है, शोथर है और दाह प्रशमन है। ठीक है, स्वेलिंग को भी दूर करेगी, और यदि कहीं बर्निंग है किसी तरह की बॉडी के अंदर, तो उसका दाह प्रशमन इसका फंक्शन है। साथ ही इसके थॉर्न या कांटे हैं वो कैसे हैं, लेखन है और व्रण है, यानी कि जो स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर पाई जाएगी। लेखन करेंगे ये, एक्स्ट्रा जो वेद होगा, ठीक है, या वसा होगी उसको हटाएंगे। साथ ही साथ ये वर्ण होते हैं, जो आपका कॉम्प्लेक्शन होता है उसे और फेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कंटक होते हैं वो, इसका लेप वगैरह बनाने में यूज में आते हैं, क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या होता है, वर्ण होते हैं। वृष्य, शालमली मूसली। ठीक है, शालमली मूसली वृष्य होती है। ठीक है, उसका वाजीकरण में प्रयोग करते हैं। फिर है रोग। अब कर्मों के साथ आप कौन कौन से रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इनके कर्मों के आधार पर। ठीक है, अब इसके अंदर अतिसार, प्रवाहिका और गृहिणी। इसके अंदर जो स्तंभन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, जो शालमली का मोचरस है ये, ठीक है, इसके अंदर स्तंभन का गुण पाया जाता है, उसकी वजह से आप इसे अतिसार में, प्रवाहिका में और गृहिणी जो रोग है उनके अंदर पेशेंट्स को दे सकते हैं। साथ ही जो आर्श रोग है, ठीक है, जो रक्तार्श वाले जो पेशेंट होंगे उसको भी आप आर्श में, सॉरी रक्तार्श वाले पेशेंट को ये शालमली का मोचरस या आधार इसका पार्ट आप इसका यूज करवा सकते हैं। रक्त पित्त, क्योंकि स्तंभन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और रक्त को बहने से रोकता है, तो जहाँ रक्त पित्त होगा, चाहे ऊर्ध्व हो, चाहे अधो हो, चाहे त्रियो हो, वहां पे भी शालमली का प्रयोग कहा करवाया जा सकता है। प्लीहा वृद्धि, ठीक है, प्लीहा वृद्धि के अंदर इसका प्रयोग हो सकता है। अश्मरी और मूत्र क्रच, जैसे कि हमने इसका फल का गुण देखा था कि वो मूत्रल होता है, ठीक है, तो अश्मरी जैसे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई छोटी मोटी अश्मरी है, तो मूत्रल प्रॉपर्टी होने की वजह से वो बाहर आ सकती है अगर इसका प्रयोग किया जाए। साथ ही मूत्र क्रच है, डिस्यूरिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो शालमली फल का प्रयोग करवाया जा सकता है। शुक्र से, क्लेब्य और धातुशय, ठीक है, जहाँ शुक्र का क्षय ज्यादा हो रहा हो,
या यूरिन के साथ शुक्र का नाश हो रहा हो, निकल रहा हो, तो वहां पे भी इसके मोचरस का प्रयोग, मोचरस या नगयास का प्रयोग करवाया जा सकता है, ठीक है, दाद उनके अंदर। फिर कार्श्य, शोथ और दौर्बल्य, क्योंकि ये बल्य और ब्रह्मगण प्रॉपर्टी से युक्त होता है शालमली, ठीक है, तो इसका प्रयोग कार्श्य में, शोष में और दौर्बल्य के अंदर आप करवा सकते हैं। प्रदर, श्वेत प्रदर और अरस रक्त, ठीक है, जहाँ पे साइकिल में ज्यादा ब्लीडिंग होती हो या वाइट डिस्चार्ज होता हो, तो स्तंभन गुण होने की वजह से इनका, फ्लावर्स का, इसका निर्यास का, शालमली का, इनका प्रयोग आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही व्रण शोथ है, क्योंकि इसके अंदर नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, वहां हमने देखा कि इसका कर्म है कि ये हील करवाता है ऐसे अल्सर को, तो आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, व्रण शोथ के अंदर कर सकते हैं। और दंत विकारों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, मुख पाकस जो व्रण है वहां पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये अभी अपन ने पढ़ा कि ये कैसा है, क्रांतिकर है या वर्ण्य है, ठीक है, व्रण को प्रकाशित करने वाला है, तो न्यक्ष, व्यंग, व्रण, विकृति आदि के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकता है, करवा सकते हैं, और ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा और छोटे मोटे दाग धब्बे होंगे उनको भी ये दूर करेगा, ठीक है। तो अब हम देखें होम रेमेडीज इसकी, तो एक्ने, स्किन ब्लेमिश और पिगमेंटेशन में टेक थॉर्न पार्ट फ्रॉम स्टेम ऑफ सैमल ट्री, ठीक है, इसके जो कांटे होते हैं जो स्टेम पे लगे रहते हैं सैमल ट्री के, आपको वो कांटे लेने हैं। मेक पेस्ट ऑफ रूट ऑफ थॉर्न विद वाटर, ठीक है, और इनका जो रूट पार्ट होता है थॉर्न का, उसका पेस्ट बनाना है पानी के साथ में। अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरिया, दीज ऑल्सो लाइटन स्कार्स मार्क्स ड्यू टू बॉइल्स, फ्रिकल्स, एक्ने वल्गैरिस एंड बर्न्स, ठीक है, तो ये इसको, बॉइल्स को, फ्रिकल्स को, एक्ने वल्गैरिस को, बर्न्स के जो मार्क्स होते हैं उनको हटा देता है। नॉक्टुरल इमिशन सीमन प्रॉब्लम्स, टेक सेमल रूट पाउडर एंड एड विदारी, ठीक है, आईपोमियन डिजिटेटर रूट एंड शतावर एंड मिश्री, टेक ट्वाइस ए डे विद मिल्क, ठीक है। डॉक्टर में मिशन और सीमन प्रॉब्लम्स है, जहाँ दांत को निकल जाता है सीमन, तो वहाँ आप सेमल का पाउडर, रूट पाउडर ले सकते हैं, साथ में विदारी, शतावरी और मिश्री, इनका पाउडर 2 बार आपको दूध के साथ लेना है, ठीक है। इसके साथ ही सेमिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, टेक टेंडर रूट्स ऑफ सेमल, क्लीन एंड ड्राई इन शेड, ठीक है। सेमिनल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या करना है आपको, जो इसकी रूट्स होती हैं वो लेनी है, उनको ड्राई करना है, क्लीन करना है, ग्राइंड टू मेक पाउडर, ठीक है, उसके बाद उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाना है। टेक दिस पाउडर टू क्योर सेमिनल डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो सेमिनल डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर इसका पाउडर आपको यूज करना है। साथ ही ब्लड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर टेक लीव्स ऑफ सेमन एंड ग्राइंड विद पाउडर, फिल्टर एंड ट्रे, ठीक है, इसका आप जूस बना के ले सकते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं उसको वाटर के साथ ग्राइंड कर लें, उसके बाद छान लें और उसे पिए, इससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। ल्यूकोविया या श्वेत प्रदर की जो दिक्कत है, इसके अंदर टेक सैमल रूट पाउडर ट्वाइस ए डे विद वाटर, ठीक है, जो सैमल रूट है उनके पाउडर को आप दिन में 2 बार लेनी है ल्यूकोरिया के अंदर, इससे आपको रिलीफ मिलती है। ओवर ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो इसे अरस रक्त दर की जैसे हमने बात करी, इसमें मिक्स सैमल रूट पाउडर 100 ग्राम, मुलेठी पाउडर 50 ग्राम, स्वर्ण गेरू 25 ग्राम, टेक दिस पाउडर ट्वाइस ए डे विद वाटर और मिल्क, ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें सेमल की रूट, मुलेठी का पाउडर, स्वर्ण गेरू, ठीक है, इनकी मात्रा है, देखो जो सेमल का रूट पाउडर है वो जैसे आप 100 ग्राम लेंगे तो मुलेठी आपको 50 ग्राम लेनी है, और जो स्वर्ण गेरू है वो 25 ग्राम है, तो आप मिक्सचर बना के रखें और इस पाउडर को आपको दिन में 2 बार पानी के साथ या दूध के साथ लेना है, ठीक है। अगर ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर हैं, वुंड्स हैं, तो अप्लाई पेस्ट ऑफ इट्स बार्क ऑन वुंड, ठीक है, तो इसकी जो बार्क है उसको वुंड पे आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद वीकनेस, फ्रॉम द सेमल फ्लावर टेक ग्रीन बेस पार्ट एंड क्लीन एंड ड्राई इन शेड, है ना, वीकनेस है, ठीक है, दौर्बल्य रहता है, तो उसके अंदर क्या करना है, फ्रॉम द सेमल फ्लावर्स टेक ग्रीन बेस पार्ट एंड क्लीन एंड ड्राई इन शेड, ग्राइंड टू मेक पाउडर एंड मिक्स 1 स्पून पाउडर हनी, ठीक है, एंड देसी घी एंड मिल्क इन मिल्क और ड्रिंक, ठीक है, आप दूध में इसको मिला लें, उसमें जैसे आपने 1 चम्मच ये लिया पाउडर,
उसमें 2 चम्मच आप हनी की मिला लें, 1 चम्मच घी की मिला लें और उसको दूध में मिला के आप पी लें, जिससे आपकी वीकनेस दूर होगी, इम्प्रूव ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, जो माताएं हैं आफ्टर डिलीवरी उनको अपने स्तनीय की प्रवृत्ति कम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 बार्क ऑफ सेमल रूट। ठीक है, जो सेमल की रूट है उसकी बार्क ले लें, क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, एंड ग्राइंड टू मिल्क पाउडर। ठीक है, उनको साफ कर लें और उसका पाउडर बना लें, टेक ट्वाइस, इम्प्रूव ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, 2 बार दिन में देना है। कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, मिक्स सेमल रूट पाउडर विद ब्लैक पेपर एंड ड्राई जिंजर पाउडर। ठीक है, ब्लैक पेपर के साथ और जिंजर पाउडर, इनके साथ एक पाउडर बना ले उसका, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर कोल्ड एंड कफ। ठीक है, अब ये चीज देखी जाए कि हमने इतने सारे इनके प्रयोग देखे विविध और रोगों के अंदर, ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से प्रयोग करना है ये भी हमने देखा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट है जो यूज किया जाना चाहिए। जैसे हमने देखिए तो अलग अलग कहीं फ्लावर यूज कर रहे हैं, कई बार यूज कर रहे हैं, किसका तो हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूट्स हैं, ज्यादातर में हमने देखा कि इसके अंदर रूट और रूट बार्क ही प्रयोग में ली जा रही है ज्यादातर रोगों में। इसके साथ ही फ्लावर्स इसके यूज किए गए, फ्रूट्स इसके यूज किए गए, एग्जूबेट जिसे काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोचास कहते हैं, उसका भी प्रयोग उसकी स्तंभन प्रॉपर्टी की वजह से किया गया। सेमल मूसली, ठीक है, यंग प्लांट रूट्स, सेमल मूसली किसको कहते हैं, यंग प्लांट होते हैं, यंग प्लांट रूट्स उनको और थॉर इनको यूज आप कर सकते हैं। रूट हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एग्जुबेट हो गया, सेमल मोस्टली हो गई और थॉर्न हो गए, ये सारे पार्ट हैं। आप इसका प्रयोग अपने पेशेंट्स के ऊपर कर सकते हैं, विविध विविध रोगों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब डोज देखें इनकी, तो जो रूट पाउडर है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आप यूज कर लें। ठीक है, रूट का पाउडर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आप यूज करें। फ्लावर्स जूस अगर आपको लेना है तो 10 से 20 ml की मात्रा में आप प्रयोग करें, फ्लावर्स जूस को 10 से 20 ml की मात्रा में प्रयोग करें। फ्रूट पाउडर है तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करें और एक्जुडेट है तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप प्रयोग करें। ठीक है, तो रूट पाउडर 5 से 10 ग्राम, फ्लावर्स जूस ठीक है 10 से 20 ml, फ्रूट पाउडर 3 to 6 ग्राम और एक्सुडेट है 1 to 3 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलेशंस हैं, डोजेस हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद बात करें फॉर्मुलेशंस की। ठीक है, आपके पास जैसे इसके कोई पार्ट यूज करना चाहते हैं आप, पर ये इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके फॉर्मुलेशंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेशेंट्स को शालमली का प्रयोग करवाना चाहते हैं तो मार्केट में शालमली गृह इजीली अवेलेबल होता है, और जैसे मूत्रगत विकारों में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो चंदना सब आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, चंदन का प्रयोग आप करवा सकते हैं। ठीक है, चंदना सब उसके अंदर सेमल या शालमली एक पार्ट के रूप में उसके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आप जरूर करें। ठीक है, तो बच्चों आज हमने काफी इंपॉर्टेंट प्लांट देखा है। ठीक है, शालमली। ठीक है, तो शालमली का आप अपने पेशेंट्स के ऊपर भी प्रयोग करवा सकते हैं, साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इसको पूरे को याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रेस्क्रिप्शन से या आपने जो प्रैक्टिस करेंगे आप उसके अंदर भी, तो आप इसे इसीलिए आपके जो मोनोग्राफ है पर्टिकुलर उसे आप जरूर याद रखें। इसका नेटिव नेम, फैमिली, संस्कृत नेम, इंग्लिश नेम, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं जनरली जो वन वर्ड के क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके अंदर इजीली बोलते हैं। 10 पंचक आपको ध्यान में रखना है इसका। ठीक है, और जो दोष कम है वो वात पित्त शामक है, पर फ्लावर्स और फ्रूट्स और मोचरस की कफ पित्त शामक है। अब इसके जो पुरुष व्यंजनीय है, ठीक है, पुरुष व्यंजनीय ये होता है और साथ में निर्यास मोचरस है, उसमें स्तंभन की प्रॉपर्टीज होती है, ये हमने देखा। ठीक है, कास हर इसकी जो फल है, ऐपक फल होते हैं, ऐपक को फल होते हैं, मूत्र भी होते हैं। ठीक है, और इसके जो फ्रूट्स हैं वो बल्ले ब्रह्मण भी होते हैं। ठीक है, पुष्प फ्लावर एक्जुडेट होता है, उसमें रक्त स्तंभन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फ्लावर्स इसके आतंरोधी रक्त रोधक होते हैं, शोथ हर दाह पृष्ठ इसकी बार्क होती है। ठीक है, ऐसे ही थॉर्न्स है, कंटक है, वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें डिजीजेस के अंदर प्रयोग होते हैं, उनकी होम रेमेडीज हमने देखी और अलग अलग रोगों में इसका प्रयोग देखें, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लांट रहा ये आपके एग्जाम से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके
प्रैक्टिस के पर्पज से भी, इनके कुछ ऐसे अच्छे से पढ़ें। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज मेंशन इट कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई सून। थैंक यू।